जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको प्रॉपर डिप्स या प्रॉपर पुशअप कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गलत डिप्स कैसे लगाते हैं, हर आदमी गलती करता है, गलत डिप्स लगाता है, तो मैं गलत डिप्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको सही डिप्स लगा के भी बताऊंगा और रॉन्ग डिप्स के लगा के भी बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। आपको सही डिप्स कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगा। तो आओ भाई बैंड पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि जो ये हाथ है, ये हाथ दिख रहे हैं, ये हाथ एकदम थोड़ा और पास में कर, बिल्कुल ये कंधा है, कंधे से सीधे होने चाहिए, और जो उंगलियां हैं ये मिली हुई बिल्कुल सामने, नजरे सामने, ये पोजीशन बैक बोन एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। सीधे होने के साथ में पंजे मिले हुए एड़ी मिली हुई, ठीक है। उसके अलावा नजरे सामने हो गई डाउन, ठीक है, डाउन हो गया, डाउन में इसकी नजरे सामने है, जो यहाँ का बेटा गैप बताना, ये गैप है, ये गैप कम से कम 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ये वाला कोनी और इसके बीच में, उसके बैक के बीच में। तो अब भी ये वाली पोजीशन में होना है, तो ये प्रॉपर डिप्स लगा के बता रहा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, हाँ ठीक है, पोज करना बेटा, पीछे पीछे, ठीक है। ये कौन बता बेटा, ठीक है, ये गैप दिख रहा है कोनी का, ये गैप होना चाहिए, जो प्रॉपर डिप्स हो गया। अब पूरा शरीर एक साथ उठना चाहिए, ये बेंड नहीं होना चाहिए, डाउन अप, ये प्रॉपर डिप्स है, डाउन अप, खड़े हो जाओ, बंद कर देना। तो ये व्यवस्थित डिप्स है कि कैसे लगाते हैं व्यवस्थित डिप्स, वो उसके बारे में बताया है। तो इसमें एक डेमो में भी देख के बता रहा हूँ आपको कैसे लगाना है। बड़ा सा पोजिशन बनाना है इधर की, ये पोजिशन हो गई बिल्कुल, तो नजरे सामने, दोनों एड़ी और पंजे मिले हुए, कोनी का वो जितना गैप है किस दिशा में रखना है, ठीक है। स्टार्ट, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब रॉन्ग डिप्स किस प्रकार से लगाते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, तो रॉन्ग डिप्स में क्या क्या दिक्कत होती है, शरीर का क्या क्या नुकसान हो सकता है वो भी बताएंगे। चलो बेंड पोजीशन, तो अधिकतर देखा जाता है कि बहुत सारे डिप्स लगाने के कारण थक जाते हैं, तो एक हाथ पे ज्यादा लोड ले लेते हैं। एक हाथ पे कैसे जो ज्यादा लोड लेते हैं बताओ, दिख रहा है एक हाथ पे लगा रहा है लोड, दिख रहा है पूरा सीधा हो रहा है, तो इससे नुकसान ये है कि एक तरफ का चेस्ट बड़ा हो जाएगा, एक तरफ का चेस्ट छोटा हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला पोजिशन है, डिप्स लगाने के बाद इस वाली पोजिशन पे नहीं जाना है, पंजे मिले हुए होने चाहिए, एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, और नजरे सामने होनी चाहिए, डाउन अब मैं यहाँ से खड़ा हूँ। अब ये वाला भी गलत, पंजे छोड़े कर रखे, ये भी गलत है। तो अब ध्यान रखना है कि किस प्रकार से सही लगाना है, ठीक है। तो ये गलतियाँ हो गई, इस गलतियों को दोहराना नहीं है। और बहुत सारे हाथ छोड़े रखते हैं, हाथ छोड़े करके बताना बेटा, डाउन, ये भी गलत है, इसमें हाथ भी छोड़े हैं पाँव भी छोड़े हैं। तो सही लगाने का तरीका मैंने बताया आपको, बस उसी के मार्गदर्शनों पर चलोगे आप व्यवस्थित लगेगा। अप डाउन यहाँ से अप, अब ये वाला यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, एकदम सीधी नहीं है, तो वो सही से वर्कआउट नहीं करेगा, उसमें हो सकता है खिंचाव भी आ सकता है, तो इसलिए इसको सही लगाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को भी उठाना पड़ेगा। ये व्यवस्थित हुआ, ठीक, खड़े हो जाओ। तो मैंने आपको बताया है कि सही डिप्स कैसे लगाते हैं और गलत डिप्स कैसे लगाते हैं, दोनों में अंतर करके भी बताया है। तो गलत लगाने से जो गलत नजरिया, जैसे एक हाथ पे लोड आ गया, बहुत सारे को सिखाता है, एक सर मेरा एक तरफ का सीना छोटा है, एक तरफ का बड़ा है, तो अधिकतर जो राइटी होता है जैसे, तो राइट हाथ से ज्यादा वर्कआउट करेगा तो इधर का सीना बढ़ जाएगा, इधर का कम हो जाएगा। जैसे दोनों प्रकार से अपन को बराबर वजन लेना है, व्यवस्थित रखना है और व्यवस्थित वर्कआउट करना है। दोनों डिप्स लगा के बता दिए मैंने, अच्छी और बुरी, सही और गलत, तो आपको चुनाव करना है सही का और गलत का नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत।